हेलो एवरीवन वेलकम टू द गेटवे क्लासेस आई एम नीरज तोमर टीचिंग यू इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आज का हमारा टारगेट रहेगा यूनिट टू का वन शॉर्ट लेक्चर जिसमें हम पूरा यूनिट टू को कंप्लीट करेंगे आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर यूनिट टू का नाम हमें पता है ये है हमारी यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपी अब स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या अब सबसे पहले हम क्या बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की और इसमें जो जो कंपोनेंट्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं हम उनको डिस्कस करते हुए इस पूरे यूनिट को कंप्लीट करेंगे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर यानी हम यहाँ बात करेंगे मैटर का इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी यहाँ पर हमारी टर्म है इंटरेक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अब इंटरेक्शन होगा किस तरीके से यह मैं आपको इस इमेज के थ्रू स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ इंटरेक्शन हो सकता है हमारा ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन कैटरिंग एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन अब ट्रांसमिशन में हम क्या बात करते हैं कि ये अगर हमारा मैटर है तो इस पे जो इंसिडेंट लाइट यानी जो हमारी रेडिएशन पड़ेंगी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये रेडियेशन क्या करेंगी मीडियम के थ्रू दूसरे मीडियम में एंटर करेंगी फिर उसके बाद क्या होगा ये किसी दूसरे एंगल से रिफ्लेक्ट होके यानी डिफरेंट एंगल से रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएंगी बाहर हो जाएंगी यानी ट्रांसमिट हो जाएंगी इस प्रोसेस को हमने क्या बोला ट्रांसमिशन अब अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन कहाँ होगा मैटर के सरफेस से डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाएंगी यानी अगर ये इंसिडेंट रेडिएशन किसी एंगल से इस पर रिफ्लेक्ट हो रही है यानी इंसिडेंट हो रही है इसके बाद ये क्या करेंगी किसी डिफरेंट एंगल से रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल जाएंगे तो यानी इन्होंने क्या किया सरफेस पे इंटरेक्ट किया और विदाउट एनी एब्जॉर्बन और एनी ट्रांसमिशन ये क्या हो गई किसी दूसरे एंगल से रिफ्लेक्ट होके बाहर चली गई अब अगर तो स्केटरिंग की बात करें तो वही सेम ये रेडिएशंस कहाँ इंटरक्ट करेंगी मैटर के सरफेस पे अब जैसे ही सरफेस पे ये इंटरेक्ट हुई यानी ये रेडिएशन पड़ी अब ये क्या करेंगी स्केटर्ड हो जाएंगी यानी अलग अलग डायरेक्शन में ये स्केटर हो जाएंगी इस प्रोसेस को हमने क्या बोला स्केटरिंग अब बात आती है एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन अब ये एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन किस तरीके से होगा ये मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है अपनी ग्राउंड स्टेट में

अब जैसे ही ये प्रोसेस हुआ यानी अपनी ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन मूव करके कहा गया अपनी हाइयर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में तो ये क्या किया इसने इन एच न्यू यानी इज इक्व टू एच न्यू ये इतनी एनर्जी इसने क्या की एब्जोर्व की और किस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से अब अगर हम यही बात एमिशन की टर्म्स में करें तब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या है अपनी ग्राउंड स्टेट में और उसकी एक्साइटेड स्टेट में अब जैसे ही एमिशन होगा एमिशन कहां से होगा यानी वो एमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अब वो एमिट तब करेगा जब वो ऑलरेडी अपनी एक्साइटेड स्टेट में है और ये कितनी एनर्जी रिलीज करेगा ये यहाँ पे एनर्जी रिलीज करेगा इज इक्व टू एच न्यू तो ये अब क्या हुआ एमिशन के टाइम पे अपनी हाइयर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट यानी एक्साइटेड स्टेट से ये आ गया है अपनी ग्राउंड स्टेट में अब ये दोनों प्रोसीजर हमारे क्या है हमारे सिलेबस में है यानी हमें ना ट्रांसमिशन की बात करनी है इंटरेक्शन में ना रिफ्लेक्शन की बात करनी है और ना ही स्कैटरिंग की तो हमारे सिलेबस में यूवी विजिबल आईआर और एनएमआर है तो हम सिर्फ क्या बात करेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे या फिर एमिशन की बात करेंगे अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अब ये रेडिएशन्स होती क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड फोटोन्स यानी ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिसको हम क्या बोलते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी और वो पैकेट ऑफ एनर्जी क्या है फोटोन्स अब फोटोन कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्सीटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एन ऑक्सीटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी इन फोटोन्स के पास ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी ये अगर आप डायग्राम देखें तो एक डायरेक्शन अगर हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की और ये डायरेक्शन है हमारी प्रोपगेशन की तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे क्या है अगर इनका वेव नेचर है यानी पार्टिकल के अगर वेव नेचर की बात की जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें यानी ये कॉन्सेप्ट हमारा आया था क्वांटम से क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम केमिस्ट्री तो ये सारे हमें क्या बताते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल अब ड्यूअल नेचर में हम कौन से नेचर की बात करेंगे वेव नेचर की तो वेव हमारी ऑक्सीलेट करती है हमेशा इस तरीके से अब ये इसका ऑक्सीलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस में अब अगर इसकी बात करें तो ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड और ये दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू प्रोपेशन अब ये इस डायग्राम में हमने क्या बताया ये इसकी क्या है? ये, जो है ये क्या है वेवलेंथ अब हम बात करेंगे अभी मैंने आपको बताया इज इक्व टू यानी जब हम फोटोन्स की बात कर रहे हैं हमने बताया कि इनमें क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है अब E इज इक्वस टू एच यानी फोटो की एनर्जी क्या होगी वो इक्वल टू होगी E इज इक्व एच न्यू और यहाँ पे E क्या है एनर्जी h क्या है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ये रिलेशन हमें E इज इक्वस टू एच न्यू अब इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी जब भी हम स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा क्या है अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा हम कहेंगे कि हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक अपने अरेंजमेंट में है किसके अरेंजमेंट में इन इंक्रीजिंग वेवलेंथ के अरेंजमेंट में है तब हम इस तरीके के स्पेक्ट्रा को इस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी हमने यहाँ पर बात की कि हमारे पास गामा रेज भी हैं एक्स रेज भी हैं ट और यू वी विजिबल रीजन भी है इसके बाद आई आर रीजन दैट इज इंफ्रा रेड एंड रेडियो यानी जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर को डिफाइन किया इंक्रीजिंग ऑर्डर किस चीज़ का उनकी वेवलेंथ का और अगर हम बात करें कि अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डरेंथ दे रहे हैं तो हम अगर इंक्रीजिंग इनकी एनर्जी की बात करें तो ये एनर्जी क्या हो रही है इनकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है यानी वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी यानी अभी अगर हमने इनको अरेंज किया इंक्रीजिंग वेवलेंथ में तो इनकी एनर्जी का पैटर्न क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा अभी हमें क्या करना है ये सारी चीजें याद रखनी है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन कौन सी हैं हमारे हम बात करेंगे अपने सिलेबस में विजिबल रेंज की इंफ्रा की और वेव्स की यानी yani, ये हम बात करेंगे विजिबल आईआर रीजन और ये हम बात करेंगे अपने एनएमआर में रेडियो वेव्स की अब इसके बाद हमारे पास आती है कि एप्लीकेशन क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी की कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज क्यों कर रहे हैं हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है कि हम किसी भी

चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इन काइनेटिक स्टडी यानी जब भी हम किसी मॉलिक्यूल की काइनेटिक स्टडी करते हैं किसी कंपाउंड की काइनेटिक स्टडी पढ़ते हैं तब हम वहाँ पे कंसेंट्रेशन के चेंज के इम्पैक्ट को भी हम स्टडी कर सकते हैं मॉनिटर कर सकते हैं अब इसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी के एडवांटेजेस क्या हैं इसमें हमारे पास क्या चाहिए रिक्वायर लेस टाइम एंड लेस अमाउंट ऑफ सैंपल यानी अगर हमें किसी भी कंपाउंड को कैरेक्टराइज करना है स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू तब हम क्या करेंगे वहां पे उसमें हमें लेस टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा और सैंपल का जो अमाउंट हम लेंगे वो बहुत ही मिनिमम होगा रिजल्ट्स ऑबटेन आर रिलायबल एंड मोर एक्यूरेट यानी यहाँ से हमें जो भी रिजल्ट मिलेंगे कैरेक्टराइजेशन करके अपने किसी भी मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड को जो हमने नया सिंथेसाइज किया है तो हमें वो रिजल्ट्स क्या मिलेंगे एक्यूरेट मिलेंगे और हम उन पर रिलाई कर सकते हैं दैट इज ट्रस्ट कर सकते हैं सैंपल रिकवरी इज पॉसिबल यानी जो सैंपल हमने यूटिलाइज किया कैरेक्टराइजेशन के लिए उस सैंपल को हम फर्दर क्या कर सकते हैं रीयूज कर सकते हैं आफ्टर स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस बिकॉज सैंपल इज नॉट केमिकली अफेक्टेड क्योंकि यहाँ पे कैम इस पे केमिकल पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता किसी भी तरीके का तो हम क्या कर सकते हैं इस सैंपल को रीयूज कर सकते हैं इसके बाद हमारे पास आता है एनर्जी लेवल डायग्राम यानी हमारे पास किस तरीके की एनर्जीज में चेंज होता है जब भी हम किसी मॉलिक्यूल की स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू उसका एनालिसिस करते हैं अब अगर हम बात करें ये एनर्जी है हमारे पास E0, नॉट ई एंड ई नॉट ई वन एंड ई यानी हम बात कर रहे हैं इसकी इंक्रीजिंग एनर्जी की यानी ये हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स दैट इज थ्री ये सारे क्या हैं एनर्जी लेवल्स हैं जिनमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं अब जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स की बात करेंगे तब उसमें हमारे पास फर्दर क्या आते हैं हमारे पास आती हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स यानी ये हमारे पास क्या है वी V1, वी वन ये फर्दर क्या है वी नोट वी वन ये भी क्या है हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल इन वाइब्रेशनल एनर्जी के सब कैटेगरीज क्या है हमारे पास ये है हमारे पास रोटेशनल एनर्जी लेवल्स यानी अगर हमें याद रखना है कि हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम्स में हमारे पास तीन चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स देन वाइब्रेशनल एंड लास्ट वन इज रोटेशनल तो जैसे ही हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स की तो वो सबसे ज्यादा बड़ी हैं यानी हमने क्या दिखाया

तब उसमें ड्यूरिंग एब्जॉर्बशन और एमिशन किसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का तो उसकी ये डिफरेंट एनर्जीज में चेंज जरूर आते हैं अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की डेफिनेशन की कि हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे एट रूम टेम्परेचर द मोलिक्यूल्स आर इन लोवेस्ट एनर्जी लेवल्स यानी सबसे वो अपनी ग्राउंड स्टेट में होगा जिसको हमने क्या बोला लोवेस्ट एनर्जी लेवल अब जैसे ही मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा यूवी विजिबल लाइट को या फिर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को तब वो क्या करेगा वन ऑफ द आउटरमोस्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड टू हाइयर एनर्जी स्टेट यानी अब जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा या फिर जिसको हम कह रहे हैं कि उसका जो इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहा चला जाएगा उसकी हाइयर एनर्जी स्टेट में जिसको हमने कहा एक्साइटेड एनर्जी स्टेट दैट इज यानी किसी भी स्टेट में वो एंटर कर सकता है इस कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमने इस प्रोसेस को क्या बोला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यानी जब भी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में चेंज होगा कैसे चेंज होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन के बाद तो यही चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि जब भी हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की या एमिशन की तब वहां पे क्या होगा अगर वो इलेक्ट्रॉन मूव करके हाइयर एनर्जी जा रहा है अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में तब भी क्या होगा e H new, तो उसका एनर्जी का डिफरेंस हम क्या देंगे ई वन अब इसी तरीके से जब हमें क्या देना होगा कि वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन ई वन से ई टू में एंटर कर रहा है तब भी हम क्या देंगे डेल ई यानी चेंज इन एनर्जी इज टू टू माइनस ई वन यानी ये इतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा हमेशा E इज इक्व टू एच न्यू ड्यूरिंग एब्जॉर्ब एंड ड्यूरिंग एमिशन और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला जब इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से हाइयर स्टेट में जा रहा है तब हमने उसको क्या बोला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यानी इलेक्ट्रॉन्स में जो ट्रांजिशन हो रहा है एनर्जी लेवल्स में अब अगर हम बात करें वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल क्या है जी लेवल्स देन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स यानी वाइब्रेशनल क्या है उससे कम है इनमें क्या है स्पेसिंग बहुत ज्यादा कम है ये मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया है आप जब भी हम वाइब्रेशनल की बात करेंगे यानी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की बात करेंगे तब हम बात करेंगे आई आर रेडिएशन की यानी हमारे पास सिर्फ सिलेबस में यू वी विजिबल आई आर एंड एन एम आर है सिलेबस में तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करेंगे तब हम यूवी विजिबल रेडिएशन की बात करेंगे जब भी वाइब्रेशनल की बात करेंगे या रोटेशनल की बात करेंगे तब हम अपनी आई आर एनर्जी की बात करेंगे लेकिन जैसे ही हम एन एम आर में एंटर करेंगे यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग एन एम आर पढ़ना शुरू करेंगे तब हम वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो डिस्कशन करेंगे वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगी रेडियो वेव्स अब यही बात हमने की कि जब आई आर रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में आर एक्साइटेड फ्रॉम वन वाइब्रेशनल लेवल टू अनदर और इट वाइब्रेट्स एट हाइयर एम्पलीट्यूड यानी मॉलिक्यूल के अंदर जो वाइब्रेशन आएंगी किसी भी ई एम आर के यानी हमारे पास आई आर है आई आर में वाइब्रेशन हो रही है तो आई आर के एब्जॉर्बन की वजह से क्या होगा मॉलिक्यूल एक्साइटेड होगा और अब उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस नहीं होंगी अब उसमें क्या होंगी वाइब्रेशंस एग्जिस्ट होंगी अब इसी तरीके से अगर हम रोटेशनल एनर्जी लेवल की बात करें तो रोटेशनल को हम क्या बताएंगे दीज एनर्जी लेवल्स आर क्वान्टाइज एंड डिस्क्रीट क्वानाइज दैट इज वी कैन क्वांटिफाई और डिस्क्रीट इज डिफरेंट यानी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं हर एक एनर्जी लेवल को अलग से डिफाइन कर सकते हैं द स्पेसिंग बिटवीन एनर्जी लेवल इज इवन स्मॉलर देन वाइब्रेशनल यानी ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से भी कम इनकी एनर्जी लेवल की स्पेसिंग है अब हमारे पास रिलेशन आता है यानी चेंज इन एनर्जी इज टू यानी टोटल एनर्जी हम कह सकते हैं इसको इज इक्वस टू डेल ई ई ई ई रोटेशनल प्लस 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 डेल डेल वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशनल अब ट्रांजिशनल एनर्जी हमारे पास इतनी कम है दैट कैन बी नेग्लेक्टेड तो इसीलिए हमारे पास एक साइंटिस्ट थे बॉर्न ओपन जिन्होंने हमें ये रिलेशन दिया था कि टोटल एनर्जी इज इक्वस टू डेल ई इज इक्वस टू रोटेशनल प्लस प्लस वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अब अगर बात की जाए तो एनर्जी की सबसे कम एनर्जी कौन सी है ट्रांजिशनल इसके बाद रोटेशनल देन वाइब्रेशनल और सबसे ज्यादा एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशनल में अब अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन लो की तो हमारे पास बियर्ड लैम्बर्ट्स लो है अब इस लो के अकॉर्डिंग हमें क्या चीज पता चली थी ये डिस्कस कर लेते हैं इन्होंने कहा था कि वेन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल दिया है अगर इस रिलेशन को हम लिखना शुरू करें दैट इज एब्सॉर्शन वी कैन इट बाई ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन दैट इज सी ऑफ द सोल्यूशन एंड पाथ लेंथ ऑफ द सोल्यूशन अब लेंथ को हम अगर एल से डिफाइन करें और सी को कॉन्सेंट्रेशन और ए से एब्जॉर्ब तो इन्होंने क्या बताया था कि जब भी कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट पास कर रहे हैं किसी सॉल्यूशन से तो उसकी एब्जॉर्बेंस मोनोक्रोमेटिक लाइट एब्जॉर्ब होगी और वो किस रिलेशन से एब्जॉर्ब होगी यानी उसके बीच में रिलेशन क्या था दैट इज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन एंड पाथ लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन अब अगर इसी को हम दूसरी टर्म में डिफाइन करें यानी इंटेंसिटी की टर्म में तो हम डिफाइन कर सकते हैं यानी yani, हम ये कह सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी जब कंसेंट्रेशन और थिकनेस सोलवेंट की इंक्रीज हो जाएगी यानी yani ये हमारा क्या है ये डायग्राम है अगर हम कहें कि ये आई नॉट इंटेंसिटी से रेडिएशन एंटर कर रही है और जितनी भी इमरजेंट बीम है यानी जो बाहर निकल रही है रेडिएशन इंटेंसिटी क्या है आई तो यही इन्होंने रिलेशन दिया था कि जैसे ही इन्होंने बोला कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी एंड एल यानी प्रोडक्ट ऑफ सी एंड एल अब इसके बाद हम बात करेंगे अपना जो मेन टॉपिक है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी अब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम आते ही हमें सबसे पहले तो कुछ चीजें याद होनी चाहिए यानी अभी तक हमने क्या बात की स्पेक्ट्रोस्कोपी की अब हम बात करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की अब जैसे ही यूवी विजिबल की बात हुई तो यानी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करेंगे जो हमारी किस रेंज में होंगी दैट इज यूवी रेंज और विजिबल रेंज यानी यूवी हमारा टू पार्ट्स में डिवाइड होता है दैट इज अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेंज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी वन अ मोलिक्यूल एब्जॉर्ब

यानी अब हम कहेंगे कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जोर्व हुई जो यूवी विजिबल रीजन से आई यानी यूवी विजिबल रेंज में जो रेडिएशन है वो मॉलिक्यूल ने एब्जो की तो क्या करेगा उसके इलेक्ट्रॉन्स यानी जो उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो उसकी आउटर मोस्ट शेल में है वो प्रमोट करेगा यानी वो उसमें ट्रांजिशंस होंगे और वो ट्रांजिट करके कहाँ जाएगा अपनी ग्राउंड स्टेट से अपनी हाइयर एनर्जी लेवल में और ये डिपेंड करेगा उसकी फ्रिक्वेंसी यानी जो उसने वेवलेंथ या जो फ्रीक्वेंसी की लाइट उसने एब्जॉर्ब की है इसके बाद हम बात करेंगे द यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ अ कंपाउंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यानी हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू क्या बता सकते हैं कि ये उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन देगा जिस मॉलिक्यूल को या जिस कंपाउंड को हमें इन्वेस्टिगेट करना है यानी जिसकी प्रॉपर्टीज हमें फाइंड करनी है इन अदर वर्ड्स अ सैंपल विद होंगी तो वो क्या करेगा यूवी विजिबल लाइट के एब्सॉर्ब करने के बाद वो प्रॉपर्टीज शो करेगा वे मॉलिक्यूल इज सब्जेक्टेड टू यूवी रेंज यानी जब भी हम किसी मॉलिक्यूल को यूवी रेंज में रखेंगे स्पेक्ट्रम इज ऑप्टेन इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यानी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमारा क्या है इंस्ट्रूमेंट है थ्रू हम क्या करते हैं जितना भी हमें मिलता है, वो कैसे मिलता है? के bands, यानी, हमें जो डेटा मिलेगा किसकी फॉर्म में मिलेगा बैंड के फॉर्म में विच आर द्लॉट्स बिटवीन एब्जॉर्बलाइट एंड वेव अब हमें ये बैंड किस तरीके से मिलेगा यानी ये मिलेगा हमें ग्राफ फॉर्म में अब अगर मैं कहूं कि एक एक्सिस पे यानी एक्स एक्सिस पे हमने लिया वेवलेंथ और एक एक्सिस हमने लिया एब्जॉर्बेंस अब ये एब्जॉर्बेंस जैसे ही हमें मिली तो हमें इस तरीके की पीक्स मिलेंगी जिसको हमने क्या बोला बैंड्स अब जैसे ही ये डेटा हमें मिलेगा तो यानी एक्स एक्सिस पे हमारी कोई वैल्यू है अब यहां पे वेवलेंथ की जो हमारी रेंज रहेगी वो हमारी रहेगी 200 टू तो 800 और ये क्या रहेगी इन नैनोमीटर यानी अगर हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेवलेंथ की रेंज हमेशा क्या रहेगी 200 टू 800 हंड्रेड नैनोमीटर्स और इसमें जब हम एब्जॉर्बेंस चेक करेंगे तो एब्जॉर्बेंस के रिलेशन में हमें क्या मिलेगा बैंड टाइप डेटा मिलेगा जिससे हम इंटरप्रेट करके क्या बताएंगे अपने मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को कर स्टडी करेंगे थ्रू द स्टडी ऑफ दीज बैंड वी कैन इलेडुकेट द मोलिकुलर स्ट्रक्चर यानी इसके बेसिस पे हम अपने मोलिक्यूल की स्ट्रक्चर को क्लासीफाई कर सकते हैं यानी डिफाइन कर सकते हैं अब इसके बाद क्या आता है यानी मैंने आपको क्या बताया कि दो तरीके से तो होता ही होता है UV और विजिबन. अब इसमें भी हमारे पास है थर्ड वन इज वैक्यूम यूवी रीजन अब जब भी हम बात करेंगे नियर यूवी रीजन की तो इसकी रेंज होती है अप्रोक्स यानी 250 टू 400 नैनोमीटर और अगर हम बात करें UV की, तो ये है हमारा इसकी रेंज वन और जहां पर हमारी is, lambda, is 190 उसको हम क्या बोलते अब हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यानी अभी तक मैंने क्या बताया कि जब भी हम यूवी विजिबल की बात करेंगे तब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की अब हमें ये बताना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस तरीके से होंगी और किन मॉलिक्यूल्स में होगी तो ये हम सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि जो सबसे मेन पॉइंट है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कब होंगी जैसे मैंने पहले भी बताया द एब्जॉर्बेशन ऑफ यूवी एंड विजिबल लाइट इज टू द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर टू हाइयर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी यहाँ पे क्या होगा जैसे ही इंटरेक्शन होगा किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के साथ यूवी विजिबल लाइट का तब क्या करेगा वो एब्जॉर्ब करेगा और ग्राउंड स्टेट से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ट्रांजिशन होगा और वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में तब वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑब्जर्व इन ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारी ट्रांजिशन ऑब्जर्व की गई हैं उन्हीं ट्रांजिशंस को हम अभी स्टडी करेंगे और ये किसके बेसिस पे होती है जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स के टाइप होते हैं किन तरह के कंपाउंड में है ये हम पढ़ लेते हैं अभी अगर हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहा होता है जहां पे हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा और सिग्मा बॉन्ड कहां बनेगा जो हमारे सेचूरेटेड कंपाउंड होंगे यानी एल्केन्स। अब अगर इसकी बात करें दे आर हाईली स्टेबल एंड वेरी डिफिकल्ट टू मूव यानी जिसमें सिग्मा बॉन्ड होगा यानी सिंगल बॉन्ड होगा वो हाईली स्टेबल है फिर अगर हम बात करें पाई इलेक्ट्रॉन्स की तो पाई इलेक्ट्रॉन्स किसमें होंगे जो हमारे अनसेड कंपाउंड्स होंगे दैट इज अब स्टेबिलिटी की बात करें तो दीज आर लेस स्टेबल देन सिग्मा इलेक्ट्रॉन एज दे हैव मोर एनर्जी यानी जिसकी एनर्जी ज्यादा वो लेस स्टेबल और जिसकी एनर्जी कम वो हाईली स्टेबल अब बात करते हैं हम एन इलेक्ट्रॉन्स की यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दीज आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स विच डो नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग यानी नाम से ही पता चल रहा है नॉन बॉन्डिंग

सिग्मा के बाद हमें क्या बनाना है पाई बॉन्ड फिर उसके बाद हमें क्या देना है एन और हमें क्या देनी है इसकी एनर्जी इंक्रीजिंग वे में यानी हमने यही चीज अभी तक कही कि सिग्मा की एनर्जी क्या है कम और उससे ज्यादा एनर्जी पाई में और नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी सबसे ज्यादा हाईएस्ट अब इसी तरीके से हम बात करेंगे कि जहां हमने पाई बनाया तो पाई की एनर्जी कम तो इसके एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी सबसे ज्यादा इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पाई बनाया है तो हमें पाई स्टार सिग्मा स्टार से थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा अब जैसे ही हमने ये सारी चीजें बनाई यानी हमने फाइव लाइन ड्रॉ करी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी तो अब हमें क्या बताना है कि हमारे पास ट्रांजिशन कौन कौन सी होंगी अब सबसे पहले अगर ट्रांजिशन की बात करें तो अब हम बात करेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार यानी सिग्मा के बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया सिग्मा स्टार में अब इसके बाद अगर हम बात करें पाई टू पाई स्टार यानी ये हमारा पाई और ये हमारा पाई स्टार तो यानी ये कहा गया ट्रांजिशन कहां से कहां तक हुआ पाई से यानी पाई बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार अब इसी तरीके से अगर हम बात करें एन से लेके सिग्मा स्टार तक तो यानी एन हमारा ये है और सिग्मा हमारा ये है तो यानी ये हमारी एक अलग ट्रांजिशन हो गई दैट इज एन टू सिग्मा स्टार ये है हमारी पाई टू पाई स्टार अब अगर हम बात करें अभी हमने एन से सिग्मा स्टार की अब हम बात करेंगे एन से पाई स्टार यानी नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। इसके बाद हमारे पास दो ट्रांजिशन बची जिसमें हमने क्या किया सिग्मा से पाई के एंटी बॉन्डिंग और पाई से सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग यानी ये टोटल हमारी सिक्स ट्रांजिशन हो गई ये दो हमारी फॉरबिडन है ये दोनों फॉरबिडन ट्रांजिशन यानी जिनको हम सिर्फ थियोरेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली नहीं पाई स्टार अब जैसे ही ये सारी हमें सिक्स ट्रांजिशन हमें पता है यानी हमने क्या लिया पहले सिग्मा सिग्मा से सिग्मा स्टार फिर पाई से पाई स्टार उसके बाद एन से पाई स्टार एन से सिग्मा स्टार और एन से पाई स्टार यानी हमें चार ट्रांजिशन याद रखनी है सिग्मा से शुरू करें और सिग्मा का स्टार इसके बाद पाई पाई से पाई स्टार और इसके बाद नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार और ये चार हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस ये दो जो है ये दो हैं जो हमारे पास ये क्या होंगे ये हमारी फोरबिडन होंगी यानी पाई से सिग्मा का बॉन्डिंग और सिग्मा से पाई का बॉन्डिंग ये दोनों हमारी फोरबिडन फोरबिडन ट्रांजिशन अब हमें क्या करना है इनको वन बाय वन डिस्कस करना है यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मैंने सबसे पहले क्या बताई सिग्मा से सिग्मा स्टार अब सिग्मा से सिग्मा स्टार का क्या मतलब है यानी आप इसको वर्ड्स में कैसे डिफाइन करेंगे एग्जाम में इसका यह है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल यानी इलेक्ट्रॉन कहा प्रेजेंट होगा सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में और ये एक्साइट होकर कहा चला जाएगा टू कोरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा स्टार यानी जिस तरीके से ट्रांजिशन हुई वैसे ही इलेक्ट्रॉन जंप करके कहा चला गया अपनी से, में. तो यहां पे क्या है? और एक्साइटेड स्टेट क्या हुई वर्ड्स में लिखा इसको द एनर्जी रिक्वायर्ड इज लार्ज फॉर दिस ट्रांजिशन आपने डायग्राम में भी देखा कि इसमें एनर्जी क्या चाहिए लार्ज एनर्जी रिक्वायरमेंट है These एल्केन्स यानी ये मैंने पहले भी बताया कि जहां पे आपका सिग्मा बॉन्ड होगा ये ट्रांजिशंस वहीं पे होगी तो इसका एग्जांपल है आपका मीथेन CH बॉन्ड ओनली एंड कैन अंडरगो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन एंड शोज़ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट 125 नैनोमीटर यानी अगर आप इसमें इतना भी लिखेंगे एग्जांपल देके कि एल्केन्स में होता है तो आप एक एल्केन का एग्जाम्पल दे सकते हैं दैट इज सी एच फोर तो वहां पे इस तरीके की ट्रांजेक्शन हो रही हैं इसके बाद अगर हम बात करें पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन की यानी जहां पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा वहां पे इस तरीके की ट्रांजेक्शन होंगी तो हम इसको डिफाइन करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू तो कॉरसपॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाई स्टार अब इसके बाद कंपाउंड्स जिनमें ये होगा वो कहा होगा जो हमारे अनसे कंपाउंड्स होंगे लाइक एल्किल कार्बोनिलइट्राइस एरो हम बात करेंगे यहां पर हमारे क्या होंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सेचुरेटेड कंपाउंड कंटेनिंग एटम्स विद लोन पेयर यानी जहां पर हमने बात की एंड से लेके सिग्मा स्टार तो यानी वहां पे सेचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दैट इज लोन पेयर विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक ओ यानी ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर और जितने भी हमारे हेल्ड्रोजेंस हैं उनके पास क्या होती हैं उनकी कैपेबिलिटी होती है इस तरीके के ट्रांजिशन करने की यानी उनमें जो ट्रांजिशन होंगी वो कैसी होंगी नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार क्योंकि उनमें कैसा बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड और क्या होगा नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस ट्रांजिशन रिक्वायर लेस एनर्जी देन सिग्मा टू सिग्मा स्टार यानी इनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो क्या है कम है एज कंपेयर टू सिग्मा टू सिग्मा स्टार अब हम बात करेंगे नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन अब इस तरीके की ट्रांजिशन कहा होंगी एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज प्रमोटेड टू एंटी बॉन्डिंग ऑफ सिग्मा पाई स्टार ऑर्बिटल यानी ये आपका इलेक्ट्रॉन कहां से कहा गया नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से पाई स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग में होंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड इन्वॉल्विंग हेट्रो एटम यानी ये कहां पे होंगे हेट्रो एटम्स दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ सी ट्रिपल बॉन्ड एन एन डबल बॉन्ड ओ अंडर गोज सच ट्रांजिशन यानी इस तरीके के मॉलिक्यूल्स में हमारा क्या होगा इस तरीके की ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट करेंगी अब इसके बाद अगर हम बात करें ये ट्रांजेक्शन इनको क्या चाहिए मिनिमम एनर्जी एंड शोज एब्जॉर्प्शन एट लार्जर वेवलेंथ अराउंड 300 नैनोमीटर यानी इनका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो किस रेंज में होगा दैट इज 300 नैनोमीटर अब अगर हम बात करें ये जो दो ट्रांजिशन मैंने आपको बताई सिग्मा से पाई स्टार का ट्रांजिशन और पाई से सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन ये दोनों कैसी हैं Forbidden है जिनको हम सिर्फ थियोरेटिकली प्रूव कर सकते हैं experimentally नहीं, ट्रांजिशन शोज एब्जॉर्प्शन इन 200 हंड्रेड नैनोमीटर विच कैन बी ऑब्जर्व बाईबलिटर यानी अगर हम बात करें यानी इन टोटल सिक्स ट्रांजेक्शन में से हम सिर्फ इन टू ट्रांजेक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं यूवी विजिबल फोटोमीटर में अब अगर बात करें कि हम यूवी विजिबल में ये कौन सी टर्म्स यूज करते हैं यानी जब भी हमारे पास एब्जॉर्प्शन में और वेवलेंथ में एक बैंड मिलता है तो हम इन टर्म्स का जरूर यूज करते हैं क्योंकि जैसे ही हमारे पास कुछ एडिशनल वेवलेंथ या फिर वेवलेंथ में जो चेंज ऑब्जर्व होता है वो हम इन टर्म्स के बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि हमारी वेवलेंथ डिक्रीज क्यों हुई और हमारी वेवलेंथ इंक्रीज क्यों हुई यानी पहली टर्म हमारे पास क्या है क्रोमोफोर्स अब ये क्रोमोफोर्स क्या होते हैं ये मॉलिक्यूल का वो पार्ट है दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन यू वी रीजन इज नोन एज क्रोमोफोर्स यानी ये हमारे वो पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो क्या करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्सोर्व करते हैं यूवी विजिबल रीजन में और ये जो मॉलिक्यूल का पार्ट है यानी क्रोमोफोर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर इन एनी कंपाउंड यानी किसी भी कंपाउंड में जो कलर का जो फैक्टर आता है वो किस वजह से है वो है हमारे क्रोमोफोर्स की वजह से दीज आर द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स यानी इनमें क्या हो सकता है ये फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं और फंक्शनल ग्रुप में क्या होना चाहिए मल्टीपल बॉन्ड केपेबल ऑफ एब्जॉर्प्शन रेडिएशन अबाउ टू हंड्रेड नैनोमीटर डू टू यानी इनमें जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कौन सी ट्रांजिशन की वजह से हो रहा है एन टू पाई स्टार एंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन अब इसके एग्जाम्पल हमें क्या याद रखने हैं एनओ टू एनओ सी डबल बॉन्ड ओ सी ट्रिपल बॉन्ड एन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन सल्फर डबल बॉन्ड यानी इस तरीके के एग्जाम्पल्स हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं दैट इज क्रोमोफोर्स अब अगर हम बात करें ऑक्सोक्रोम्स अब ऑक्सोक्रोम्स क्या है ये है हमारे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास क्या है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और इनकी खुद की कोई कैपेबिलिटी नहीं है यानी इनकी कोई टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के यूवी विजिबल रेंज में तो ये क्या करते हैं ये कंबाइन हो जाते हैं क्रोमोफोर्स के साथ अब ये जैसे ही क्रोमोफोर्स के साथ कंबाइन होंगे तब ये अपनी प्रॉपर्टीज को शो करेंगे और वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे व्हेन अटैच्ड टू अ क्रोमोफोर द वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ यानी जैसे ही ये क्रोमोफोर्स के साथ ऐड हुए और इन्होंने एब्जॉर्न प्रॉपर्टी शो की तो ये क्या करेंगे वेवलेंथ को और इंटेंसिटी को एब्जॉर्बेंस की इंक्रीज कर देंगे यानी एब्जॉर्बन की जो वेवलेंथ है उसको भी बढ़ा देंगे और पीक की जो इंटेंसिटी है उसको भी इंक्रीज कर देंगे यानी अगर हम बात करें इस तरीके से कि ये पीक हमें मिल रही हैं तो जैसे ही किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सोक्रोम की हम बात करेंगे तो वो क्या करेगा इंटेंसिटी को बढ़ा देगा इस तरीके से या फिर हमें जो वेवलेंथ मिलेगी अब ये वेवलेंथ हमें मैक्स क्या मिल रही है इस पॉइंट पे तो ये क्या हो जाएगा ये हमें कुछ इस तरीके से मिलने लगेगी ये क्या हो जाएगा ये वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगा यानी ये हमारी रेंज है टू टू एट तो अगर मैं इस पॉइंट को मानूं थ्री हंड्रेड तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा के करीब यानी ये क्या कर देते हैं वेवलेंथ को भी इंक्रीज कर देते हैं और पीक की इंटेंसिटी को भी ऑल्टर करते हैं अब अगर हम एग्जाम्पल लें बेंजीन बेंजीन जिसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा यानी एक ऐसा पॉइंट एब्जॉर्प्शन और ये वेवलेंथ तो ये जो मैक्स है ये ऐसा पॉइंट है जिस पे जो मॉलिक्यूल है वो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी को एब्जोर्व करेगा लाइट की यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तो उसका लेमडा मैक्स क्या है किस पॉइंट पे हमें ऑब्जर्व हुआ वो हमें ऑब्जर्व हुआ 255 नैनोमीटर पे लेकिन अगर हम फिनोल की बात करें यानी अगर मैं आपको ये एग्जाम्पल दू एक हमारे पास बेंजीन है एक हमारे पास फिनोल यानी बेंजीन रिंग के ऊपर ओएच ग्रुप और एक हम बात करेंगे एनिलीन यानी बेंजीन रिंग के ऊपर एनएच2 अब ये जैसे ही हमारे पास ये है बेंजीन तो इसका लैम्डा मैक्स क्या है 255 का है 270 और ये जो एन एच टू ग्रुप है ये है टू एटी अब ये हमारे पास जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है किसकी वजह से हुई है ये हमारी ऑक्सोक्रोम की वजह से इंक्रीज हुई है ओ OH एच के, के केस में हमारे पास ओ के पास क्या थे लोन पेयर्स तो इसमें यहाँ पे क्या हो गई इसकी वैल्यू टू सेवेंटी अब यहाँ पे क्या था यहाँ पे हो गई हमारी एनएच टू के के केस में यानी नाइट्रोजन के पास भी क्या है लोन पेयर्स है और वो वैल्यू हमारी क्या हो गई टू एटी अब अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट यानी इन्हीं ऑक्सोक्रोम की वजह से या कोई अदर फैक्टर जैसे सोलवेंट हो गया या फिर ऑक्सोक्रोम या क्रोमोफोर्स की वजह से हमारे पास क्या होती है एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी और वेवलेंथ में जो चेंज आता है यानी एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी में चेंज यानी वेवलेंथ में चेंज और उसकी इंटेंसिटी में एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी यानी मैंने क्या बताया कि पीक में अगर इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं हम तो यानी हम इस हाइट की बात कर रहे हैं यानी पीक की बात कर रहे हैं अब अगर हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन शिफ्ट तो एब्जॉर्प्शन शिफ्ट कैसे होगा यानी उसका वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है यानी ये वेवलेंथ पहले यहां थी यानी ये था लैम्डा मैक्स पहले अब अगर इसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है लैम्डा मैक्स शिफ्ट करेगा इस तरफ यानी ये अब लैम्डा मैक्स यहाँ है यानी इस पॉइंट से हमें क्या मिला लैम्डा मैक्स यानी ये वैल्यू टू आर्ट्स टू हंड्रेड टू एट हंड्रेड ये वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है लेकिन अगर यही मैं कहूँ कि ये एट हंड्रेड टू टू हंड्रेड की तरफ शिफ्ट कर रहा है तब क्या हो जाएगा डिक्रीज यानी अब ये अगर यहाँ है तो ये वैल्यू क्या हो गई यानी ये पहले यहाँ था ए अब ये इंक्रीज होके बी किस तरफ चला गया ट्रेड तो ये क्या हो गया इंक्रीज इन वेव लेंथ और अगर हम बात करें कि ये ए कहाँ चला गया अब सी पॉइंट पे और ये सी पॉइंट किस तरफ है टू हंड्रेड की तरफ तो यानी पहले अगर ए पॉइंट की वैल्यू 300 थी तो वो 200 के पास चला गया या नहीं? ये अब हो गया 250 तो ये क्या हो जाएगी डिक्रीज इन वेवलेंथ अब अगर एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी की बात करें तो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी इस तरीके से इंक्रीज होगी यानी अगर पहले ये ए पॉइंट है यानी इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं ये ए ये बी और ये सी तो ये क्या है एब्जॉर्प्शन और ये वेवलेंथ यानी तीनों केस में मैक्स तो यही है लेकिन इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है यानी इंटेंसिटी में चेंज हुआ। अब अगर इसी तरीके से यहां पर ये यह देखें ये एब्जॉर्प्शन और ये वेवलेंथ। तो अगर हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं यानी अगर हम कहें कि हमारी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है यानी हम टुअर्ड्स रेड शिफ्ट कर रहे हैं तब हमने क्या बोला कि वेव इंक्रीज हो रही है लेकिन अगर हमने कहा कि टवर्ड्स बी मूव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो रहा है इसमें हमारी वेवलेंथ में तो ये जो डायग्राम है ये यही चीज बता रहा है कि सेम डायग्राम में हम वेवलेंथ इंक्रीज़ यानी वेवलेंथ के इंक्रीज और डिक्रीज को किस तरीके से दिखाएंगे और इंटेंसिटी के इंक्रीज और डिक्रीज को किस तरीके से दिखाएंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि जब मैंने ये एरो इस तरीके से मूव किया यानी ये जो एरोज हैं

तो अगर हमने ये पीक को ऊपर की तरफ इंक्रीज कर दिया तो ये क्या हो गया इंक्रीज इन इंटेंसिटी और इसको हमने क्या बोला हाइपरक्रोमिक क्रोमिक यानी आप इसको याद कर सकते हैं कि जब भी किसी को गुस्सा आता है तब हम क्या कहते हैं कि उसके गुस्से की इंटेंसिटी बढ़ गई है यानी वो क्या है वो हाइपर हो गया है दैट इज हाइपरक्रोमिक अब अगर बात करें इसी के जस्ट अपोजिट की कि गुस्से की इंटेंसिटी कम हो गई है तब हम क्या करेंगे कि ये क्या हो गया है ये हमारा इसका नाम हाइपोक्रोमिक तो यानी ये हमें चार नाम याद रखने हैं कि यानी जब हमने वेवलेंथ में इंक्रीज और डिक्रीज दिखाया तब हमने शिफ्ट की की बात की, is, और ब्लू शिफ्ट इंटेंसिटी की बात की तब हमने बात की हाइपरक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं हम रेड शिफ्ट को क्या बोलते हैं हम रेड शिफ्ट को बोलते हैं बेथोक्रोमिक शिफ्ट अब हमें इसमें क्या चीज डिफाइन करनी है सबसे पहले तो हम यही डिफाइन करेंगे कि ये है क्या यानी इस पॉइंट पे हमने क्या किया यानी अगर हम रेड शिफ्ट को डिफाइन कर रहे हैं तो वहां पे चेंज किस चीज़ में हो रहा है चेंज हो रहा है वेवलेंथ में और चेंज क्या हुआ लोंगर वेवलेंथ के लेंथ हमने क्या, क्या? किया किया व्हेन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा दैट इज लेवल शिफ्ट और रेड शिफ्ट यानी

ट यानी ये सोलवेंट डिपेंडेंट भी है जो हमारा रेड शिफ्ट है अब अब हम अगर बात करें प्रोमोफोर्स की तो प्रोमोफोर्स हमारे पास क्या है ओ एच ओ सी एच थ्री और ये क्या कर रहे हैं कॉजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ अ कंपाउंड एट लॉन्गर वेवलेंथ यानी ये ऑक्सोक्रोम क्या करेंगे मैक्स की वैल्यू को मूव करेंगे टुवर्ड्स लोंगर वेवलेंथ अब अगर हम बात करें इस एग्जांपल की तो हमारे पास क्या है पैरानाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रो क्या है सॉल्वेंट डिपेंडेंट यानी हमने ये बात की कि यहाँ पे क्या है एल्कलाइन मीडियम है तो अगर हम बात करें पैरा नाइट्रो तो यानी फिनोल के लिए हम क्या करते हैं बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप और इसके साथ पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप यानी NO2 अब NO2 में हमने क्या देखा कि N पे डबल बॉन्ड भी है और एक O के साथ सिंगल बॉन्ड अब अगर हम OH की बात करेंगे तो यहां पे ये ओ OH क्या करेगा इस H के साथ कंबाइन करके H2 रिलीज करेगा तो यानी O पे क्या बचेगा नेगेटिव चार्ज अब इसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा और ये वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी मैक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा यानी यहाँ पे क्या हुआ एल्केलाइन मीडियम में ये ओ OH रिलीज हो गया और इसने क्या किया लैमडा मैक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया

अगर हमने रेड शिफ्ट को बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोला है तो इस शिफ्ट का दूसरा नाम क्या है हेप्सोक्रोमिक शिफ्ट द द इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ और और ऑक्सोक्रोम्स बाय चेंज इन सॉल्वेंट यानी तीन फैक्टर्स हैं या तो कॉन्जुकेशन रिमूव हो दैट इज डबल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड का जो इंपैक्ट है वो कम हो या फिर चेंज इन सॉल्वेंट या फिर थर्ड वन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम अब अगर हम बात करें एनिलीन की तो एनिलीन क्या है बेंजीन ग्रुप के ऊपर एनएच2 ग्रुप अब ये क्या करेगा एसिडिक मीडियम में यानी एसिडिक मीडियम अगर हम कहें कि ये एसिडिक मीडियम तो ये क्या करेगा एच पॉजिटिव कहां कंबाइन हो जाएगा एनएच2 के साथ और सीएल एजिटेंस यहां पे तो ये ग्रुप क्या करेगा तो लैम्डा मैक्स जो इसका इनिशियली है दैट इज 280 नैनोमीटर उसको क्या कर देगा डिक्रीज कर देगा यानी यहां पे क्या हो रहा है इस

When absorption absorption intensity intensity of of a compound compound, is 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 increased, is known as hyperchromic shift. If oxochrome is introduced to the the increases. किसी भी इंट्रोड्यूस कर दें या फिर ऑक्जोक्रोम को एड कर दें तब वहाँ पे क्या हो जाएगा उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है पायरेडीन यानी पायरेडीन एज इट इज बैंजीन की तरह है, लेकिन एक कार्बन की जगह यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन ग्रुप और यहाँ पे हमने क्या किया सी एच थ्री ग्रुप एड कर दिया यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अब यहाँ पे ये ग्रुप क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो जाएगा और लैम्डा मैक्स इंक्रीज होते ही एप्साइलिन भी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा यानी यहाँ पे वैल्यू है टू सेवन फाइव जीरो और यहाँ पे एप्साइलिन की वैल्यू है थ्री फाइव सिक्स जीरो यानी ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है अब यहां पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट हमारा लास्ट इफेक्ट जो है ये है हाइपोक्रोमिक यानी अभी तक हाइपर पड़ा अब क्या है हमारे पास हमारे सिलेबस में हाइपोक्रोमिक यानी यहाँ पे क्या हो जाएगी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो इस शिफ्ट को हमने क्या बोला हाइपोक्रोमिक अब ये किस वजह से होगी इट अकर्स द सिमेट्री ऑफ द कंपाउंड इज डिस्टर्ब यानी जब कंपाउंड की सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी उस केस में ये क्या हो जाएगा इस तरीके का शिफ्ट होगा और वहां पे हमारी अब ये अगर हमने क्या किया टू मिथाइल लिया तो यानी एक सी एच थ्री ग्रुप एड करना पड़ेगा इस सी एच थ्री ग्रुप की वजह से क्या हुआ यानी अब तक क्या था ये दोनों सेम थे अब एक तरफ हमने सी एच थ्री ग्रुप एड कर दिया जो क्या कर रहा है एक ही तरफ की रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है जबकि अदर साइड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई एज कम्पेयर टू अदर तो वहां पर उसकी सिमेट्री पहले से डिस्टर्ब हो गई और हमने इस केस में क्या कहा कि एफसाइलन की वैल्यू जो हमें ऑब्जर्व होगी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू जो बैंड मिलेगा उसमें एफसाइल की वैल्यू क्या मिलेगी वन जीरो टू फाइव जीरो जिसकी वजह से हम क्या बता सकते हैं कि ये हमारा किस तरीके का शिफ्ट हुआ हाइपोक्रोमिक अब हम बात करेंगे फैक्टर्स की यानी वो फैक्टर्स जो हमारे इन शिफ्ट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे सबसे पहला कॉन्जुकेशन जो हमने अभी भी डिस्कस किया कि कॉन्जुकेशन अगर बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी कॉन्जुकेशन ब्रिंग्स अबाउट बैथोक्रोमिक शिफ्ट यानी शिफ्ट टुवर्ड हाइवर हाइयर वेवलेंथ इन एब्जॉर्प्शन बैंड हाइयर द एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुकेशन द मोर इज द पैथोक्रोमिक शिफ्ट यानी जैसे ही कॉन्जुकेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारा शिफ्ट कैसा हो जाएगा रेड शिफ्ट हो जाएगा जिसको हमने क्या बोला बैथोक्रोमिक शिफ्ट अब इसके बाद हम बात करेंगे इंक्रीज इन कॉन्जुकेशन डिक्रीज इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन होमो एंड ल्यूमो एयरफोर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिकम पॉसिबल एट लोअर एनर्जी यानी जैसे ही होमो होमोल्यूमो का गैप कम हो जाता है वैसे ही हमारा ट्रांजिशन लोअर एनर्जी पे होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है

ऑक्सोक्रोम जुकेशन को इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या करेगा शिफ्ट को टुवर्ड्स बैथोक्रोमिक शिफ्ट मूव करेगा अब हम बात करेंगे सोलवेंट की कि सोलवेंट किस तरीके से हमारा इम्पेक्ट करता है सोलवेंट यूज इन एनी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड शुड बी नॉन एब्जॉर्बिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी जब भी हम कोई सोलवेंट यूज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में यानी यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में तो हमारे पास इस तरीके का सोलवेंट होना चाहिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब ना करे अदरवाइज वो अपना एक बैंड अलग से दिखाएगा जिसकी वजह से क्या होगा हमारा डेटा सही से नहीं मिलेगा हमें वाटर एंड मैनी ऑर्गेनिक सोलवेंट सच एथनॉल एसिटोनाइट्राइल साइक्लो एक्सैन दैट इज डाईमेथिल फॉर्मेलिहाइड डाई मेथिल सल्फो ऑक्साइड एक्सेट्रा यानी ये इस तरीके के सोलवेंट हम हमेशा क्या करते हैं यूज करते हैं अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हमने जब इतनी सारी चीजें पढ़ी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होते हैं किस तरीके के ट्रांजिशन होते हैं और ये मॉलिक्यूल को किस तरीके से इंटरप्रेट करता है यानी ऑक्सोक्रोम का क्या इंपैक्ट होगा इंटेंसिटी कैसे बढ़ेगी वेवलेंथ पे क्या इंपैक्ट है यानी हम जो इतनी सारी स्टडीज कर रहे हैं वो हम किस लिए कर रहे हैं अब ये चीज़ हमें पता चलेगी जब हम इसकी एप्लीकेशन को पढ़ेंगे यूवी विजिबल की ये हमें क्या देता है क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एनालिसिस यानी अगर हमें कोई भी मोलिक्यूल जो हमने नया सिंथिसाइज किया है उसकी प्रॉपर्टीज अगर बतानी है तो उसमें हमें उसकी क्वान्टिटी भी पता होगी यानी कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं और उनका क्वालिटेटिव एनालिसिस भी पता चलेगा इट इज़ यूज फॉर कैरेक्टराइजिंग एरोमेटिक कंपाउंड यानी एरोमेटिक कंपाउंड को भी डिटेक्ट कर सकता है और इम्प्योरिटीज को भी डिटेक्ट कर सकता है डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड टू डिटेक्ट इम्प्योरिटीज इन ऑर्गेनिक सोलवेंट्स यानी जितने भी सोलवेंट्स की इम्प्योरिटीज डिटेक्ट होती हैं वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम कर सकते हैं डिटेक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं दैट इज ट्रांस आइसोमर्स एंड सिस अब अगर हम बात करें ट्रांस आइसोमर्स की तो ट्रांस आइसोमर्स एग्जिबिट लेमडमैक्स एट स्लाइटली लोंगर वेवलेंथ यानी अगर हमारे पास आइसोमर है एंड ट्रांस तो जो ट्रांस का मैक्स होगा वो हाइयर होगा एज कम्पेयर टू सिस्ट तो उस पॉइंट पे हम क्या बता सकते हैं कि यहाँ पे जो आइसोमरिज्म है वो ट्रांस भी है और सिस्प भी है अब इसके बाद हम क्या बता सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर वेट यानी मोलिकुलर वेट डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग पेयर्स स्लो अब इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा टॉपिक है इंफ्रा स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको हम बोलते हैं आई स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी तक हमने यूवी विजिबल में पढ़ी है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस अब हम यहाँ पे बात करेंगे वाइब्रेशनल ट्रांजिशन की अब जैसे ही हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी वन बाय वन आई स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कंसर्न विद द एब्जॉर्ब्शन ऑफ आई आर रेडिएशन यानी अभी तक यूवी विजिबल की बात पड़ रही थी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो रेंज थी वो थी हमारी यूवी विजिबल रेंज अब यहाँ पर क्या आ जाएगी आई आर रेडिएशन की रेंज विच कोज वाइब्रेशनल ट्रांजिशन इन द मॉलिक्यूल एंड आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल्सो नोन एज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा इंटरक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर यहाँ पे मैटर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसी होंगी जो हमारी आई रीजन में एग्जिस्ट करेंगे यानी जिनकी वेवलेंथ क्या आई आर रीजन में लाई करेगी अब हमने क्या बताया कि इनमें किस तरीके का वाइब्रेशन होगा यानी यहाँ पे क्या होगा वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होंगे यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होंगी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सिर्फ कहाँ होंगी यानी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से मूव करके कहा जाएगा हाइयर एनर्जी स्टेट में सिर्फ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यहाँ जब भी डिस्कशन करेंगे तब आप बात करेंगे वाइब्रेशन की अब आई स्पेक्ट्रो किस चीज की इंफॉर्मेशन हमें देता है सबसे पहली फंक्शनल ग्रुप और उसके बाद बताता है कि कितने बॉन्ड प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड में आप डिपेंड करता है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किस तरीके से काम करेंगे यानी प्रिंसिपल इसका क्या है किस बेसिस पे ये वर्क करेगा अब हमें क्या पता है कि जो भी मॉलिक्यूल जनरली एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे उसमें क्या है लोवेस्ट वाइब्रेशन यानी इनिशियली उस मॉलिक्यूल में अपने आप में क्या है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करती हैं एंड ये क्या है नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन है यानी कोई भी अगर आप मॉलिक्यूल एच सी एल ले लें वाटर मॉलिक्यूल ले लें ले ले, तो उसमें क्या है नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और उस फ्रीक्वेंसी से क्या हो रही है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करती हैं और अगर हम बात करें कि यानी अब हम क्या करेंगे अगर उस molecule पे रेडिएशन का इंटरेक्शन कराएंगे तब वो क्या करेगा उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर हो जाएगी जो हमारी रेडिएंट फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर हो जाएंगी और ये क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा उन रेडिएशंस को और उसमें वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस एग्जिस्ट करेंगे यानी जो हमने सेम चीज यूवी विजिबल में बोली थी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया और वो अपनी ग्राउंड स्टेट से अपनी हाइयर एनर्जी स्टेट में चला गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकिन यहाँ पे हमने क्या बात की कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या है नेचुरल वाइब्रेशन नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब रेडियंट फ्रिक्वेंसी के इक्वल आ जाएंगी तब वो मॉलिक्यूल क्या करेगा आईआर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा और उसके अंदर किस तरीके की वाइब्रेशंस आएंगी दैट इज वाइब्रेशन ट्रांजिशन यानी ये इसका प्रिंसिपल है कि जब तक वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस नहीं होंगी वो आई रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा यानी उसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो मैच कर जानी चाहिए आई आर रेडिएशंस के बराबर इसके बाद अगर हम बात करें कि किसी भी कंपाउंड को आई आर रीजन में आई आर रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या चाहिए तो दो एसेंशियल कंडीशन है सबसे पहले तो करेक्ट वेवलेंथ होनी चाहिए रेडिएशन की कि अगर किसी मॉलिक्यूल को रेडिएशन जितनी उसको चाहिए उससे कम है वो तब भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा और जितनी रेडिएशन उसको चाहिए उससे ज्यादा रेडिएशन अगर आ रही है ज्यादा वेवलेंथ यानी ज्यादा फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन है तो भी वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा और उसके बाद क्या होना चाहिए अगर किसी की भी मॉलिक्यूल के डायपोल में चेंज एग्जिस्ट नहीं करेगा तो भी वो मॉलिक्यूल आई आर एक्टिव नहीं होगा तो अगर डिस्कस करें करेक्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन तो हम ये बताएंगे इसमें फॉर अ मॉलिक्यूल टू एब्जॉर्ब आई आर रेडिएशन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सम पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज द सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन यानी उस मॉलिक्यूल की जो फ्रीकवेंसी है यानी जो वाइब्रेशन है वो मैच हो जानी चाहिए जो हमारी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है उससे अब अगर हम बात करें चेंज इन डायपोल मोमेंट यानी डायपोल मोमेंट में चेंज किस तरीके से होगा अ मॉलिक्यूल कैन ओनली ऑब्जर्व आईआर रेडिएशन व्हेन इट्स एब्जॉर्प्शन कॉजेस चेंज इन इट्स इलेक्ट्रिक डायपोल यानी आईआर रेडिएशन तभी एब्जॉर्ब होंगी जब मॉलिक्यूल के साथ आईआर का इंटरेक्शन उसके डायपोल में चेंज लाएगा अब इसके बाद अगर हम बात करें डायपोल की तो डायपोल होता क्या है अ मोलिक्यूल इज सेड टू हैव एन इलेक्ट्रिक व्हेन देयर इज अ स्लाइट पॉजिटिव एंड स्लाइट नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स कंपोनेंट एटम यानी कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसके एक एटम पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और दूसरे एटम पे स्लाइटली नेगेटिव ऑल द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स यानी अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं H2, N2, O2 तो इनमें डाइपोल मोमेंट नहीं है यानी ना स्लाइटली पॉजिटिव ना स्लाइटली नेगेटिव दोनों क्या है होमोन्यूक्लियर और कैसे हैं डायटोमिक तो ये क्या होंगे आई आर इन एक्टिव इन नेचर होंगे वाइब्रेशन ऑफ अ बॉन्ड इन्वॉल्विंग टू एटम्स दैट हैव लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज यूजली आई आर एक्टिव यानी अगर हमारे पास इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल है जिसमें उसके एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो वो हमारे मॉलिक्यूल कैसे होंगे आई आर एक्टिव होंगे वाइब्रेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड कोजेज अ चेंज इन डायपोल मोमेंट एंड इट आई आर एक्टिव यानी अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है कि जिसमें डायपोल मोमेंट तो एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है यानी वाइब्रेशन उसमें होनी शुरू हो गई आई आर के साथ और उसके डायपोल मोमेंट में अगर चेंज हो गया है तब वो क्या करेगा आई आर रेडिएशन को एब्जॉर्व करेगा तो यानी इसका एग्जाम्पल आपका क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये क्या है आई आर एक्टिव अब अगर हम बात करें वाइब्रेशन की अभी तक हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पढ़ी थी कि हमारे पास कौन कौन सी ट्रांजिशन थी वो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास थे सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग उनके बेसिस पे हमने क्या बताया था कि हमारे पास किस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एग्जिस्ट करेंगी लेकिन अब हम आई में क्या बात कर रहे हैं वाइब्रेशन की तो मोलिक्यूल में वाइब्रेशन किस तरीके की होंगी उनको हम अब यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे यू टू इंक्रीज इन वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी यानी यहाँ पे जो मोलिकुलर वाइब्रेशन होंगी वाइब्रेशन के अंदर अपने आप में क्या है रोटेशनल एनर्जी टू टाइप्स ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन आर ऑब्जर्व यानी हमारे पास क्या है टू टाइप्स की वाइब्रेशन है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड नंबर टू पेंडिंग वाइब्रेशन यानी या तो स्ट्रेचिंग होगी या फिर बेंडिंग होगी अब अगर स्ट्रेचिंग की बात करें तो स्ट्रेचिंग से डिफाइन करेंगे यानी यानी की जो line है, जो है, हमारी लेंथ है उसके अलोंग जो ऑक्सीलेशन होंगे उनको हम क्या कहते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन देर चेंज इन लेंथ यानी जब भी हम बॉन्ड लेंथ में चेंज की बात करेंगे तब हम क्या बात करेंगे तब हम कहेंगे कि वहां पे किस तरीके का वाइब्रेशन है दैट इज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अब इस तरीके के वाइब्रेशंस पे एग्जिस्ट करते हैं जहां पे हाइयर एनर्जी होती है और इसकी रेंज क्या रहेगी फोर थाउजेंड टू ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टी सेंटीमीटर इनवर्स अब इसके बाद ये हमारे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ये भी ऑलरेडी हमारे क्या है टू टाइप्स के हैं यानी नंबर वन सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड नंबर असिमेट्रिकल सेटिंग यानी ये सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और असिमेट्रिकल भी हो सकते हैं अब अगर हम बात करें सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग की तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कैसी होगी यानी जहां पे हमारा जो सेंटर एटम है यानी अगर हम इस इमेज में देखें कि ये हमारा क्या है इसको हम मान लेते सेंटर एटम है और ये हमारे अदर आइटम तो अगर हम ये कहें कि इसमें जो स्ट्रेचिंग हो रही है वो दोनों एटम्स यानी सेंटर एटम की या तो सेंटर आइटम अपनी तरफ स्ट्रेच कर रहा है दोनों मॉलिक्यूल्स को या फिर हमारा ये दोनों अदर आइटम जो है ये अपनी तरफ इस बॉन्ड को स्ट्रेच कर रहे हैं तो यानी या तो हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं या तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है या फिर हम इसको यहाँ पे इस तरीके से भी बना सकते हैं कि ये सेंटर आइटम है और ये बॉन्ड लेंथ अब हमारी डिक्रीज हो गई यानी अभी तक हमने क्या बोला अगर मैं ये बताऊं कि ये स्ट्रेचिंग इस डायरेक्शन में हुई तो यानी नीचे वाले एटम्स ने क्या किया स्ट्रेचिंग की अपनी तरफ तो यानी सेंटर एटम की तरफ से ये क्या हो गया लूज पड़ गया और इन्होंने अपनी तरफ स्ट्रेच करके इस बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज कर दिया अब अगर यही बात अगर इस तरीके से बनाया जाए एरो लगा के यानी अब क्या कर रहा है इन दोनों बॉन्ड्स को सेंटर एटम अपनी तरफ स्ट्रेच कर रहा है तब वहां पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी यानी यहाँ पे क्या हुआ बॉन्ड लेंथ डिक्रीज और यही चीज हमने कही कि स्ट्रेचिंग में हम किसकी बात कर रहे हैं चेंज इन बॉन्ड लेंथ अब अगर हम बात करें असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की तो यानी यहाँ पे यहाँ पे कोई भी सिमेट्री नहीं है यानी स्ट्रेचिंग में अभी तक हमने क्या बोला कि सेम सिमेट्री है यानी दोनों एक तरफ खींच रहे हैं तो सेंटर एटम खींच रहा है अपनी तरफ बॉन्ड को या फिर बाकी के अदर एटम्स जो हैं वो अपनी तरफ खींच रहे हैं और वो भी सेम डायरेक्शन में तो सेम इंटेंसिटी से क्या किया उन्होंने बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज किया अब अगर हम ये कहें कि ये हमारा सेंटर एटम एज इट इज जैसे ऊपर बना है और यहाँ पे ये क्या किया इस बॉन्ड ने अपनी तरफ स्ट्रेच किया इस बॉन्ड को इस तरीके से और यहाँ पे इस सेंटर एटम ने अट्रैक्ट किया इसको इस बॉन्ड बॉन्ड को अपनी तरफ तो अब यहाँ पे कैसी स्ट्रेचिंग हो गई असिमेट्रिक यानी कोई भी सिमेट्री नहीं है क्योंकि एक तरफ फोर्स ज्यादा है एक तरफ फोर्स कम है तो यानी एक तरफ की बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज हो गई लेकिन एक तरफ की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गई और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं कि इस वाली बॉन्ड लेंथ को हम इंक्रीज कर सकते हैं और इसको डिक्रीज कर सकते हैं ये दोनों इस तरीके से कि या तो ये वाला बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाए या वो वाला बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाए जबकि वो दोनों चीजें क्या रही हैं असिमेट्रिक फॉर्म में और ऊपर वाला क्या है दोनों सिमेट्रिक या तो सेंट्रल एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करे या फिर अदर एटम्स अपनी तरफ। अब इसके बाद हम बात करेंगे बेंडिंग बेंडिंग क्या है वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन आर नॉट अलोंग द लाइन ऑफ बॉन्ड यानी अभी तक जो हमने स्ट्रेचिंग की बात की थी तो स्ट्रेचिंग कैसे हो रही थी अलोंग द दीज आर ऑल्सो कोल्ड एज डिफॉर्मेशन यानी जब भी हम किसी चीज़ को बेंड करेंगे तो उसकी नेचुरल शेप तो नहीं रहेगी और उसमें क्या आ जाएगा डिफॉर्मेशन इन दिस बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एक्सिस इज ऑल्टर्ड यानी अभी तक हमने स्ट्रेचिंग में क्या बात की थी बॉन्ड लेंथ में डिफॉर्मेशन की बात की थी लेकिन यहाँ पे जो बेंडिंग में चेंज आएगा वो किस पे आएगा बॉन्ड के एक्सिस में और बॉन्ड के एंगल में और वहां पे हमने हाई एनर्जी की बात की थी यहाँ पे हम बात करेंगे लो एनर्जी की अब बेंडिंग भी हमारे पास क्या है टू टाइप्स की है

अब सबसे पहले हम बात करेंगे इन प्लेन की इन प्लेन में क्या है सीजरिंग एंड रोकिंग अब हमें से सबसे पहले क्या याद जाना चाहिए सीजर। यानी जब भी हम सीजर की बात करते हैं तो सीजर किस तरीके से चलती है इस तरीके से यानी आपने सीजर को जब भी चलाया तो दोनों चीजें यानी ये इसकी तरफ मूव कर रहा है और ये इसकी तरफ तो यानी हमने क्या बात की दिस इज इन प्लेन बेंडिंग इन विच टू एटम्स अप्रोच

ये इनवर्ड्स और ये इधर से इनवर्ड यानी दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को यानी इस तरीके के बेंडिंग को हमने क्या बोला अब अगर हम रोकिंग की बात करें तो रोकिंग क्या है दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आइदर राइट साइड और आइदर लेफ्ट साइड यानी होंगे दोनों सेम ही डायरेक्शन में यानी जिस डायरेक्शन में एक मूव करेगा दूसरा उसके पीछे पीछे सेम डायरेक्शन में मूव करेगा ये अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये भी क्या करेगा इसी डायरेक्शन में मूव करेगा तो इस तरीके के इन प्लेन बेंडिंग क्या हो गई एक सीजरिंग और एक रोकिंग अब हमें बताना है आउट प्लेन अब यानी ये दोनों क्या होंगे आउट प्लेन होंगे और एक की डायरेक्शन या तो दूसरे के प्लेन से डिफरेंट होगी या फिर दोनों की सेम हो गई यानी अब ये क्या होंगे प्लेन डिपेंडेंट होंगे यानी अगर हम बात करें वेगिंग की तो वेगिंग में हम क्या कहेंगे यानी यानी the अब ये क्या है? है. Yarni, ये क्या दोनों दोनों सेम सेम प्लेन प्लेन में में। हमने सिंबलाइज किया प्लस साइन से अब हम इनको माइनस से भी कर सकते हैं अब ये क्या कर रहे हैं बार बार अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं और ये दोनों क्या है सेम प्लेन में अब अगर हम ट्विस्टिंग की बात करें तो ट्विस्टिंग में क्या कहेंगे वन एटम मूव अब द्लेन एंड अनदर मूव बिलो द प्लेन यानी अभी तक ये क्या है दोनों एक ही प्लेन में है और दोनों एक ही प्लेन के डायरेक्शन कर रहे हैं या तो अपसाइड या डाउन साइड लेकिन अब क्या हो गया है ये अगर प्लस है ये माइनस है तो यानी ये अगर अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है तो ये क्या करेगा डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा और अगर वो डाउनवर्ड करेगा तो ये अपवर्ड यानी उसके जस्ट अपोजिट मूवमेंट करेगा एक दूसरे के यहाँ पे क्या है आपके दोनों एक ही प्लेन में है और दोनों सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं तो यानी ये आपका डिफाइन हो गया वेगिंग आउट ऑफ प्लेन वेगिंग एंड आउट ऑफ प्लेन ट्विस्टिंग अब इसके बाद बात आती है नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन यानी हम इनको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो इनकी कैलकुलेशन के दो तरीके हैं हमें या तो पता होना चाहिए कि हमारा मॉलिक्यूल लीनियर है या नॉन लीनियर है तो उसके लिए लीनियर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है थ्री एन माइनस फाइव और नॉन लीनियर के लिए हमारे पास है थ्री एन माइनस सिक्स अब जब भी हम बात करेंगे सीओ टू की, की यानी एक एग्जाम्पल हमें याद हो जाना चाहिए दैट इज अब यहां पे N क्या है नंबर ऑफ एटम्स यानी सीओ टू की अगर बात की तो इसको हमने लीनियर स्ट्रक्चर इसलिए बोला कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं थ्री यानी एक कार्बन और दो ऑक्सीजन एटम तो यानी एन की वैल्यू हमें क्या पता चल गई थ्री तो यानी अगर यहाँ पे लीनियर के फॉर्मूले में थ्री इन टू थ्री एन की जगह हमने पुट किया तो माइनस फाइव क्या वैल्यू आ जाएगी दैट इज टू अब अगर हम बात करें नॉन लीनियर के केस में यानी वाटर का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसा है नॉन लीनियर है दैट इज बेंट इन शेप तो ये क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला थ्री एन माइनस सिक्स और यहाँ पे एच टू केस में भी टू हाइड्रोजन प्लस वन वॉटर

कंपाउंड में जितने भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उनको आइडेंटिफाई करेगा किसके बेसिस पे एब्जॉर्प्शन के बाद जिस जो उसमें स्ट्रेचिंग मोड्स चेंज होंगे उसके बेसिस पे क्या करेगा आइडेंटिफाई करेगा कंपाउंड को उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं इसके बाद क्या आता है फिंगरप्रिंट रीजन यानी इसकी अगर रेंज की हम बात करें फंक्शनल ग्रुप की तो इसकी रेंज है फोर टू फाइव सेंटीमीटर इनवर्स लेकिन इसकी अगर बात करें तो ये है फिफ्टीन टू सिक्स सेंटीमीटर इनवर्स अगर हम बात करें द रीजन बिलो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स इसको हमने कहा फिंगरप्रिंट रीजन यानी इसकी हमें रेंज पता है कि इससे कम जो हमारा क्या होगा रीजन होगा इससे नीचे का वो हमारा क्या होगा फिंगरप्रिंट रीजन होगा इट कंटेन्स नंबर ऑफ वाइब्रेशन कॉस्ड बाय बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग यानी ऊपर हमने फंक्शनल ग्रुप जब डिटेक्ट किया तब हमने सिर्फ स्ट्रेचिंग की बात की लेकिन यहाँ पे क्या है बेंडिंग भी और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी अब यहाँ पे अगर हम हमें बताना है कि मॉलिक्यूल फिंगरप्रिंट में क्या डिटेक्ट करता है यानी अगर हम ये कहें कि मॉलिक्यूल ने क्या किया आई आर रेडिएशन को एब्जोर्व किया और वहां पे क्या है सेम फंक्शनल ग्रुप है और सेम मॉलिक्यूल है तो वो सेम तरह की पीक्स देंगे और अगर मॉलिक्यूल में सेम फंक्शनल ग्रुप है लेकिन मॉलिक्यूल अलग है तब वहां पे वो हमें क्या करेंगे अलग तरीके की पीक देंगे तो वो क्या कंफर्म करता है हमें मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई करके बताता है फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे भी और उसके अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स कंबाइंड है उस कंपाउंड को बनाने में उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफाइन करता है अब इसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन की यानी आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशन क्या है ये भी यूवी विजिबल की तरह क्या करेगा क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस इसके बाद ये एज इट इज क्या करेगा प्योरिटी भी डिफाइन करेगा कि कितना ज्यादा इमप्योर है कितना ज्यादा प्योर है टू आइडेंटिफाई ट्रांस यानी वहां पे हमने क्या बताया था कि हमारे पास ट्रांस की लेमडेम की वैल्यू क्या आएगी ज्यादा आएगी लेकिन यहाँ पे क्या बताया आई आर एब्जॉर्न ऑफ ट्रांसोम क्या होगा ट्रांस का वीक होगा और सिस का स्ट्रोंग होगा अब हम डिफाइन करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू टाइप्स की होती है इंटर मोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर अब इंट्रामोलिकुलर वो होती है जो विद इन मोलिकुल होती है और इंटर मोलिक्यूल यानी सेम मोलिक्यूल के साथ जब हमारा सेम फर्दर टाइम्स मतलब ऐड हो जाता है बार बार तब उस मोलिक्यूल में क्या हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तब वहां पे क्या करेंगे हम बात इंटर मोलिक्यूल की यानी अलग अलग मोलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं मल्टीपल टाइम्स और वहां पे कैसी बॉन्डिंग बनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अगर हम इसको क्लासिफाई करेंगे कि इसने डिफ्रेंशिएट किस तरीके से किया तो इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर है तो वहां पे आई आर रेडिएशन का उस पर कोई भी इम्पेक्ट नहीं होगा और अगर वहां पे उसकी जो कंसनट्रेशन है जो जिसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां पे अगर चेंज यानी इंक्रीज नज़र आ रहा है एब्जॉर्प्शन में तो वो हम कहेंगे कि वो किसकी वजह से है बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब अगर बात करें स्ट्रक्चुरल इंफॉर्मेशन की तो ये क्या करता है मोलिकुल की सिमेट्री को डिफाइन करेगा उसके डायपोल मोमेंट बॉन्ड लेंथ और कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा एब्जॉर्न की उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी आपको इसका प्रिंसिपल डिफाइन करना है फोर एक्स वाई टू बेंट मॉलिक्यूल यानी यहां पे हमें समझ में आ गया कि हमारा किस तरीके का मॉलिक्यूल है हमारा Bent है, नहीं है यानी नॉन लीनियर है मॉलिक्यूल शोज वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग हमें क्या करना है उसके नंबर ऑफ वाइब्रेशन भी कैलकुलेट करने हैं और इस तरीके के मॉलिक्यूल में कैसी वाइब्रेशन होंगी और किस तरीके की बेंडिंग होंगी तो यानी ये आपको सारी स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग जितनी भी है वो सारी डिफाइन करनी है और ये सारे डायग्राम्स बनाने हैं सिमेट्रिकल ए है, सीमेट्रिकल और जितने भी हमारी बेंडिंग के फर्दर टाइप्स हैं सीजरिंग वेगिंग ट्विस्टिंग ये सब आपको ड्रॉ करके इसमें बताना है और आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल और आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल किस पे डिपेंड करता है वाइब्रेशनल और यानी उसमें जितने भी वाइब्रेशन होती हैं और बेंडिंग होती है वो हमें सारी डिफाइन करनी है इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी अभी तक हमने जब भी बात की तब इलेक्ट्रॉन के ही वाइब्रेशन की की इलेक्ट्रॉन के ही ट्रांजिशन की लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूक्लियस की यानी अब यहाँ पे हमारा जो इंटरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं होगा वो इंटरेक्शन होगा रेडियो वेव्स का न्यूक्लियस के साथ और न्यूक्लियस में हमारा क्या है न्यूट्रॉन और प्रोटोन जैसे ही न्यूक्लियस के पास अपना एक स्पिन होता है यानी जिसको हमने क्या बोला कि न्यूक्लियर स्पिन उस पिन की वजह से वो क्या करता है उसके अंदर एक मैग्नेटिक बिहेवियर होता है अब वो मैग्नेटिक बिहेवियर मैग्नेट किस तरीके से बिहेव करती है यानी मैग्नेट के पास ऑलरेडी क्या है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल और जब भी हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो हमारे इंस्ट्रूमेंट में एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या होता है कि वहां पे एक अलग से मैग्नेटिक फील्ड होता है यानी एक अलग से मैग्नेट होती है उस डिवाइस में तो अगर ये मैग्नेट के कांटेक्ट में दूसरी मैग्नेट जाएगी तो अगर दोनों के सेम पोल अट्रैक्ट तो नहीं करेगा रिपेल करेगा लेकिन करेगा. अगर इसके ये रिवर्स हो जाए यानी ये अगर मैं कहूं कॉन्टेक्ट में इस तरीके से आए कि ये इसका साउथ पोल और ये इसका नॉर्थ पोल तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे यानी इस को जब हम स्टडी करेंगे कि जो हमारा न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो हैं, उनका किस तरीके का बिहेवियर रहेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो हम स्टडी करते हैं के थ्रू। इसके अगर प्रिंसिपल की बात करें, तो इसका प्रिंसिपल है, है, है जो न्यूक्लियर एक्सिस बिहेव कराएगा लाइक like मैग्नेट अब अगर हम ये बात करें कि ये यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं है यानी फोटोन है और ये क्या करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से बिहेव करेगा यानी

एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी यहां पे जब भी मूवमेंट की बात करेंगे तब ये इसका मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होगा अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अब अगर हम बात करेंगे स्टडी की कि हम एन के डेटा को किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं यानी अभी तक यूवी विजिबल में और आई आर में हमें किस तरीके का डेटा मिला था हमें मिला था यूवी विजिबल में इस तरीके का आई आर में भी इस तरीके का यानी पीक्स हम कह सकते हैं और इसी तरीके के पीक हमें कुछ मिलेंगी एन में यानी या फिर हम इस तरीके के पीक भी कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन की तरह यानी जिसकी विर्थ नहीं हो यानी इस तरीके का डेटा हमें कैसे मिलेगा एनएमआर में मिलेगा जब भी हम इसकी बात करेंगे तो हमें स्टडी किस तरीके से करना है यानी हमारे पास फोर फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम क्या करेंगे एनएमआर को स्टडी करेंगे अब अगर हम सबसे पहले बात करें द नंबर ऑफ सिग्नल्स उसके बाद हम बात करेंगे पोजिशन ऑफ सिग्नल्स देन देन इंटेंसिटी एंड स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल स्पीट होकर हमें एन एम आर का डेटा किस तरीके से स्टडी करना है अब यहाँ पे हमारे पास क्या है वन एच एन एम आर है यानी हाइड्रोजन के हमें सिर्फ सिग्नल कैलकुलेट करने हैं तो यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ सिग्नल्स किस तरीके से हम क्लासीफाई करेंगे तो उनको हमें डिफाइन करना है यानी उनको हमें कैलकुलेट करना है हम उस मॉलिक्यूल को यानी जो हमें मॉलिक्यूल यानी जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर गिवन है उसको हम क्या करेंगे एक एक्सिस के अलोंग ब्रेक कर लेंगे यानी आप अगर ये देखा जाए तो ये एक एक्सिस के अलोंग हमने इसको ब्रेक कर लिया इस एक्सिस के नीचे और इस एक्सिस के ऊपर हम ये देखेंगे कि इसमें सेम एनवायरमेंट कितने हाइड्रोजन्स का है और डिफरेंट एनवायरमेंट कितने हाइड्रोजन्स का है अगर हमने इसको बोला एच ए तो अगर यहाँ पे ये देखें कि ये क्या है एच ई -E. और ये क्या है ये भी एच बी यानी बी और ये बी डैश अब इसके बाद क्या है ये एच सी ये एच सी ये एच सी डैश अब अगर इसकी बात करें तो ये क्या है ये एच टी एच ई एच एफ अगर इसमें ये काउंट किया जाए तो बी और बी डैश सेम है और सी और सी डैश सेम है इसके अलावा हमारे पास क्या है थ्री फोर फाइव एंड सिक्स यानी टोटल सिग्नल हमें क्या मिलेंगे सिक्स सिग्नल्स हमें मिलेंगे इस कंपाउंड के लिए जब हम एनएमआर इसका डिटेक्ट करेंगे अब इसी तरीके से अगर हम इस मॉलिक्यूल में देखें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे हमें फोर सिग्नल मिलेंगे यानी ये हाइड्रोजन ये दोनों सेम है यानी हमें ये देखना है कि ये दोनों सेम एनवायरनमेंट में है इस डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में और ये यहाँ पे ये दोनों सेम है लेकिन इस कार्बन के पास यहाँ पे ये ऑलरेडी एच थ्री ग्रुप है यहाँ पे ये तीनों हाइड्रोजन का इनका क्या मिलेगा अलग से मिलेगा तो यानी इसके पास कितने सिग्नल हैं इसके पास फोर यानी टू थ्री एंड इसके बाद अगर इसकी बात करें तो इसमें भी अगर हमने इसको इस एक्सिस के अलोंग ब्रेक किया और ऊपर नीचे का एनवायरमेंट अगर हम ये देखें कि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है उसका एनवायरमेंट किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ सेम मैच करेगा यानी अगर हम ये कहें कि सी एच थ्री तो यानी इनके लिए हमें क्या मिलेगी मॉलिक्यूल में सेम पीक मिलेगी अगर इनके साथ जो ग्रुप्स अटैच हैं वो ऑलरेडी सेम है तो इसी बेसिस पे हमने इसको कैलकुलेट किया अब अगर हम बात करें पोजीशन की द पोजीशन ऑफ द सिग्नल अब ये पोजीशन कैसे पता चलेगा ये पोजीशन हमें पता चलेगी केमिकल शिफ्ट से इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ स्पिनिंग फोटोन एंड द सिग्नल ऑफ द रेफरेंस मॉलिक्यूल यानी जो रेफरेंस मॉलिक्यूल लिया है उसकी और रेजोनेंट ऑफ स्पिनिंग की एनर्जी में जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे हमने हमने क्या कहा कि केमिकल शिफ्ट को डिफाइन किया अब हमारे पास आते हैं शिल्डेड मॉलिक्यूल्स और डीशिल्डेड मॉलिक्यूल्स शिल्डेड शिफ्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन को अपशिफ्ट और ये शिफ्ट करेंगे डीशिल्डेड डाउन शिफ्ट को यानी आप याद कर सकते हैं डाउन ये डीशील्डेड ये इसको कन्वर्ट करेगा डाउनफील्ड और शील्डेड मॉलिक्यूल शिफ्ट करेगा अप फील्ड यानी ये डीशील्डेड और ये डाउनफील्ड अब ये हम डिफाइन करेंगे कि शील्डेड फोटॉन्स हैव लोअर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड यानी ये क्या करते हैं इनके पास lower frequency है और ये shift को कम change करते कम करते हैं यानी में आता है है ये ये इसके just opposite है. इनके पास higher resonance frequency है और ये क्या करेंगे लार्जर केमिकल शिफ्ट वैल्यूज एग्जिबिट करते हैं अब अगर हम ये देखें कि एनएमआर की पीक्स हमें मिल रही है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि जहां से डेटा मिलना शुरू होता है यानी अगर यहां से हम कहें कि ये हमारा क्या है अप फील्ड और ये क्या है हमारा डाउन फील्ड अब अप फील्ड में जितना भी डेटा हमें मिल रहा है वो किस वजह से मिल रहा है यानी उनका केमिकल शिफ्ट क्या है कम और यहां पे केमिकल शिफ्ट क्या है ज्यादा अब अगर हम बात करें इंटेंसिटी की तो यानी मैंने इंटेंसिटी आपको पहले ही बताया कि ये पीक क्या है कम इंटेंसिटी ये ज़्यादा और ये सबसे ज़्यादा अब अगर हम बात करें एथेनॉल की तो यहाँ पे हमारे पास क्या है सी एच थ्री सी एच टू और ओ OH, एच यानी यहाँ पे इस कार्बन के पास थ्री हाइड्रोजन और इसके पास टू हाइड्रोजन और इसके पास फंक्शनल ग्रुप के पास एक हाइड्रोजन तो यानी अगर हम पीक्स की बात करें तो ये पीक हमें मिलेगी ओ OH एच के लिए ये मिलेगी हमें एच टू के लिए यानी सी एच टू के लिए TH3 के लिए तो यानि intensity से हमें पता चलता है कि ये एक हाइड्रोजन की इंटेंसिटी है ये टू और ये थ्री अब इसके बाद हम बात करेंगे splitting की यानि जितने भी हमारे पास यानी सिग्नल हमें मिलेंगे उनकी स्प्लिटिंग किस बेसिस पे होती है यानी अगर हम बात करें कि हमारे पास एक एन प्लस वन रूल है इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं स्प्लिटिंग को डिफाइन करते हैं अब अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास ये एग्जाम्पल है अब यहाँ पे इसके पास एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे तो यानी एच ए और एच बी तो यानी अगर मैं ये बात करूं एन प्लस वन रूल के हिसाब से तो एच ए की कितनी पीक्स मुझे मिलेंगी यानी इस कार्बन के पास यानी एक ये कार्बन है इसके पास एच ए और एक ये कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन एच बी अब अगर मैं कहूं कि इसकी अगर मुझे इंटेंसिटी बतानी है कि इसकी पीक्स की इंटेंसिटी क्या होगी और उसमें कितने सिग्नल स्प्लिट होके मुझे मिलेंगे तो एच ए के जो सिग्नल मिलेंगे वो एच बी के हिसाब से मिलेंगे यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो यानी एन प्लस वन रूल के हिसाब से वन प्लस वन इज इक्वल्स टू टू तो यानी एच ए के लिए मुझे क्या मिलेंगी टू पीक्स मिलेगी अब इसी तरीके से जब मुझे एच बी की पीक निकालनी है तो मुझे किसके रेस्पेक्ट में मिलेंगी एच ए के रेस्पेक्ट में मिलेंगी और ये भी हम क्या लगाएंगे एन प्लस वन रूल तो यहाँ पे भी हमें क्या मिली डबलेट और वहां पे भी हमें क्या मिली डबलेट लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे एच ए और यहाँ पे क्या है इस दूसरे कार्बन के पास एच बी और एच बी यानी उसके पास कितनी हाइड्रोजन है टू हाइड्रोजन है तो अगर मुझे एच ए की पीक फाइंड करनी है यानी इसकी पीक फाइंड करनी है तो मैं इसके ऑल्टरनेट यानी इसके जस्ट एडजेसेंट जो कार्बन है उसके पास जितनी हाइड्रोजन है उसमें वन ऐड करके निकालूंगी यानी एन प्लस वन रूल से एन उसके कार्बन उस कार्बन के हाइड्रोजन लेंगे जो इससे नेक्स्ट कार्बन है यानी यानी इसके पास जितनी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, की काउंट करने, करने के लिए मुझे तो ये क्या टू प्लस वन थ्री जिससे मुझे क्या मिला ट्रिपलेट तो यानी यहाँ पे क्या मिली थ्री पीक्स मिली एच ए के लिए लेकिन अगर एच बी की फाइंड करनी है तो एच बी के लिए क्या लेना पड़ेगा उसके बराबर वाला हाइड्रोजन तो इसके पास हाइड्रोजन कितनी है वन और एन प्लस वन रूल क्या कहता है one one? तो ये जो मिली है ये किसकी वजह से मिली है एच बी की वजह से अब इसी तरीके से अगर ये कोई ग्रुप है इसके पास क्या है इसके पास भी दो हाइड्रोजन और इसके पास भी दो हाइड्रोजन तो अगर मुझे एच ए की काउंट करनी है कि एच ए की जो पीक्स मुझे मिल रही हैं वो इसकी वजह से मिल रही हैं तो इसके हाइड्रोजन काउंट करूंगी दैट इज टू प्लस वन इज इक्व टू थ्री अब इसी तरीके से जब एच बी की हाइड्रोजन काउंट करनी है तो एच ए काउंट करने पड़ेंगे अगर एच ए का फाइंड करना है तो ये हाइड्रोजन हमें काउंट करनी पड़ेंगे तो हमारे पास कितनी हाइड्रोजन है यहाँ पे थ्री और थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर तो यहाँ पे हमें क्या मिली पीक्स हमें मिल गई अब अगर एच बी की पीक समय फाइंड करनी है तो एच बी की पीक समय किस वजह से मिलेंगी एच ए की वजह से और एतनी है वन तो वन प्लस वन यानी डबलेट यानी ये जो डबलेट पीक एच बी की मिली वो विद रिस्पेक्ट टू एच ए हमें मिली अब इसके बाद आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है स्टीरियो आइसोमेरिज्म दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इवन एग्जिबिट आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज यानी ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है जिनके पास क्या है सेम मोलिकुलर फॉर्मूला और उनकी फिजिकल और प्रॉपर्टीज भी सेम होती है आइडेंटिकल मीन सेम हाउ एवर दे हैव अ डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट यानी उनका सिर्फ अरेंजमेंट डिफरेंट होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस दे रिएक्ट डिफरेंटली टू द प्लेन पोलराइज लाइट यानी उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है प्लेन पोलराइज लाइट के रेस्पेक्ट में अलग हो जाती हैं दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस यानी अगर मैं कहूँ कि मिरर इमेजेस यानी हम अगर अपने लेफ्ट हैंड को मिरर में देखते हैं तो वो उसका जस्ट रिवर्स दिखाई देता है यानी नॉन सुपर नॉन सुपर इम्पोजिबल यानी उस इमेज को हम अगर उसके ऊपर इम्पोज करें तो वो सेम नहीं दिखेंगे दैट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड आर फाउंड इन मॉलिक्यूल्स हैविंग असिमेट्रिक कार्बन यानी इस तरीके का कार्बन जिसकी सिमेट्री सेम नहीं है यानी एक तरफ तो उसके पास छोटा ग्रुप है जुड़ा हुआ छोटा मॉलिक्यूल और एक तरफ बहुत बड़ा तो यानी उसकी सिमेट्री सेम नहीं है वन ऑफ द आइसोमर्स रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट वेन पास इज इन सोल्यूशन इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन यानी अगर हमारा क्या है आइसोमर क्या करता है प्लेन पोलराइज लाइट को क्लोकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है तब हम उसको कहते हैं पॉजिटिव डी यानी टेक्सट्रोरोट्री यानी डी आइसोमर और अगर ये उसको एंटीक्लोकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है तो हम क्या कहते हैं लीवो रोटेटरी यानी माइनस एल यानी क्लोकवाइज के लिए हमने प्लस लिया और डी और एंटीक्लोकवाइज यानी माइनस एल यानी लीवो रोटेटरी अब हमारे पास सिलेबस में आता है कंपाउंड्स विद नो कायरल कार्बन यानी कायरल कार्बन क्या होता है यानी कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी एक अलग ग्रुप से जुड़ी होती है यानी एक जगह अगर थ्री है तो एक जगह H है एक जगह हैलाइड ग्रुप है तो एक जगह OH ग्रुप है अब इसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे इट इज वाइडली नोन दैट ऑप्टिकल आइसोमर कंपाउंड्स मस्ट हैव कायरल कार्बन यानी अभी तक हमें क्या पता है कि जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे उनके पास कायरल कार्बन होना जरूरी है लेकिन ऐसा नहीं होता हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स यानी कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं लेकिन उनके पास कायरल कार्बन नहीं है अब इनके लिए उनके पास क्या होना चाहिए दीज कंपाउंड आर नॉन प्लेनर एंड गिव राइज टू नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिररर इमेजेस यानी उसके पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो प्लेनर नहीं होना चाहिए और उसकी जितनी भी मिरर इमेजेस होनी चाहिए वो मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पॉसिबल होनी चाहिए टू फाइंड द दिटी ऑफ दीज कंपाउंड्स वी लुक फॉर सिमेट्री एलिमेंट्स यानी हम क्या करते हैं उनका सिमेट्री चेक करते हैं और सिमेट्री किस तरीके से चेक करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी दोनों तरीके से सिमेट्री चेक करेंगे सेंटर से भी और प्लेन के थ्रू भी अब अगर हम बात करें अब प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी प्लेन यानी हमने एक इमेजिनरी प्लेन मान लिया जिसके थ्रू हमने उसको क्या कर दिया कट कर दिया द मोलिक्यूल इन सच अ वे मोलिक्यूल को इस तरीके से कि वो क्या करेगा आइडेंटिकल मिररर इमेज देगा द सेंटर ऑफ सिमेट्री अब ये सिर्फ क्या है इनकी डेफिनेशन है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है इज एन इमेजिनरी पॉइंट एट द सेंटर ऑफ अ मोलिक्यूल फ्रॉम वेयर

प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होने चाहिए ना तो सेंटर और ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों नहीं होने चाहिए अदरवाइज वो मॉलिक्यूल क्या होगा इनएक्टिव होगा मॉलिक्यूल दैट बियर नो कायरल कार्बन बट आर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स आर यानी हमारे पास तीन तरीके के ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या हैं जिनमें कायरल कार्बन नहीं है बट स्टिल दे आर ऑप्टिकली एक्टिव अब इनमें सबसे पहला क्या आता है एलिन्स सेकेंड वन इज पायरो कंपाउंड्स अब इसके बाद हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है जिनमें क्या है उसको हमने क्या बोला एलिन थ्री कार्बन एटम इन एलिन आर डबली बॉन्डेड तो सेंटर यानी ये जो सेंटर का कार्बन एटम है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp और जो साइड वाले कार्बन है उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 अब अगर हम बात करें दिस वे नो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री विल एग्जिस्ट यानी यहां पे क्या है ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है विल एग्जिस्ट एंड विल मेक देम ऑप्टिकली एक्टिव यानी इस तरीके के सिमेट्री यहां पे नहीं है इसीलिए ये क्या है ऑप्टिकली एक्टिव है तो यहां पे आप क्या करेंगे 13 डाइफिनाइल प्रोपर डाई का एग्जाम्पल देंगे और दोनों को क्या दिखाएंगे मिरर इमेज और कहेंगे कि ये सुपर इम्पोसिबल नहीं है अब अगर बात करेंगे स्पायरो 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 कंपाउंड्स 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 की तो spiro compounds में हम क्या बात करेंगे आर मेड अप ऑफ टू टू रिंग्स अ सिंगल कार्बन एटम विच इज एस थ्री हाइब्रिडाइज्ड अब इसके बाद हम बात करेंगे दिस रिजल्ट इन ज्योमेट्री जिसकी वजह से क्या करेंगे वो नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेजेस शो करेंगे

कार्बन आइटम इन एसपी टू हाइप्रिडाइज तो क्या हो जाएगा रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा हो और बोथ द रिंग्स लाइक टू ईच अदर ऑप्टिकली एक्टिव इन बायो इज ऑब्जर्व

मिरर इमेज अगर हम दिखाएं तो ये क्या है एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है इसलिए हमने इनको क्या बोला कि ये क्या है ऑप्टिकली एक्टिव और ये किसका एग्जाम्पल था स्पाय आता है टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म अब हमारे पास क्या आता है कन्फर्मेशनल और कॉन्फिग्रेशनल अब हम बात करेंगे कन्फर्मेशनल की तो यहाँ पे क्या करेंगे ऑल्सो टर्म एस रोटेशनल आइसोमर्स एज दे हैव फ्री रोटेशन ऑफ ग्रुप्स अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एज दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स इन स्पेस यानी यहाँ पे जितने भी जो हमारे ग्रुप्स हैं उनका क्या होता है रोटेशन होता है किसके अलोंग यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोंग दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज फाउंड एल्केल्के आर डेरिवेटिव अब अगर यहाँ पे बात करें हम कॉन्फिग्रेशन आइसोमेरिज्म की दे डिफर इन द अरेजमेंट ऑफ एटम्स एंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इनकी क्या है डिफरेंट अरेन्जमेंट है एटम्स का और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है इट इज ऑफ टू टाइप्स जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल मेरिज्म दीज आइसोमेरिज्म डू नॉट है यानी यहाँ पे क्या है फ्री रोटेशन लेकिन यहाँ पे क्या है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग फ्री रोटेशन नहीं है अब अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये क्या है स्टीरियो आइसोमेरिज्म दैट हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स अराउंड डबल बॉन्ड यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम क्या बात कर रहे हैं कि डबल बॉन्ड के अराउंड स्पेशल अरेंजमेंट जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का है वो क्या है डिफरेंट है सिस और ट्रांस की अगर हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में तो सिस कंपाउंड्स आर लेस स्टेबल देन ट्रांस आइसोमर्स यानी ट्रांस आइसोमर ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सिस आइसोमर्स क्या है इफ द फंक्शनल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन यानी सेम दैट इज और ट्रांस आइसोमर्स यानी फंक्शनल ग्रुप क्या है ऑन द अपोजिट साइड यानी एक दूसरे के अपोजिंग अब इसके बाद अगर नेसेसरी कंडीशन की बात करें किसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए तब हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अब अगर हम बात करें टू एटम्स कार्बन कार्बन -कार्बन और ग्रुप उनके साइड में जो ग्रुप्स हैं वो हमारे कैसे होने चाहिए डिफरेंट होने चाहिए हाउ एवर इट वेदर द लेफ्ट साइड ग्रुप्स आर सेम और डिफरेंट ऑन द राइट साइड यानी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमारे ग्रुप्स राइट साइड पे सेम है या लेफ्ट साइड पे सेम है अब अगर हम सिस और ट्रांस की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एच थ्री एन एच थ्री एन बी आर और सी एल तो यानी ये हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों सेम है लेकिन ये दोनों क्या है अलग है अब ये हमने सिस किस लिए बोला क्योंकि ये दोनों क्या है सेम साइड लेकिन यहाँ पे ये दोनों क्या है अपोजिट साइड है एक दूसरे के इसलिए हमने इसको क्या बोला ट्रांस तो यहाँ पे आप सिसो ट्रांस पर इस तरीके से एग्जाम्पल देंगे अब हम अगर बात करें ई और जेड सिस्टम की तो ई और जेड आपका क्या होता है मेनली स्टैंड अपोजिट एंड सेम साइड यानी अभी तक हम सिस को क्या बता रहे थे सेम तो यहाँ पे हमारा क्या है जेड सेम है यानी हमें क्या करना है ये दोनों चीजें याद रखनी है कि सिस और और ए क्या है अपोजिट अब यहाँ पे अगर हम ये एग्जाम्पल देखें कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और यहां पे हमारे क्या है सारे ही ग्रुप्स क्या है डिफरेंट है तो अगर हम ये देखें कि हमारी प्रायोरिटी पे ग्रुप्स कौन से हैं क्लोरीन और आयोडीन यानी ये दोनों क्या है अपोजिट साइड है और यहाँ पे हमारे क्या है ये दोनों सेम साइड है तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला कि ये वाला ग्रुप जो है हमारा ये ई और ये वाला हमारा

अब यहाँ पे हमारा एक छोटा सा टॉपिक आता है कायरल ड्रग्स तो कायरल ड्रग्स क्या है ऑल नेचुरल कंपाउंडल इन एंशियोमिक फॉर्म सच एज ऑल नेचुरल एसिड्स एसिड एल आइसोमर्स दैट आइसोम लिवोरोट्री एंड ऑल नेचुरल शुगर्स बींग डी आइसोमर्स दैट इज डेक्सटोरोटरी अब यहाँ पे ये आपके पास कुछ एक दो एग्जाम्पल्स है जिनको आप ड्रॉ करके इसको जस्टिफाई कर सकते हो कि ये सारे आपके क्या हैं कायरल ड्रग्स आई होप आपको ये यूनिट बहुत अच्छे से समझ आई होगी थैंक यू सो मच